नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज, नजर हर खबर पर। बहुत गर्व है अपने लाल पर, हम उनको शेर बना के भेजा था बॉर्डर को, पर आज मेरा दूसरा कोई बेटा होता तो मैं उनको भी भेजता, लेकिन भगवान ने मुझे एक ही लाल दिया, वो शेर था, शेर है, शेर रहेगा। वो अपने पापा का नाम रोशन करके गया, हमको उनके ऊपर बहुत ही गर्व है। कब आपकी बात हुई रवि जी से और क्या कह रहे थे आपसे? उनसे मेरी बात 1:30 बजे के करीब हुई थी, बोला था कि फायरिंग चल रही है बिट्टू, बाद में तुमसे बात करता हूँ, उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई। और रवि जी का क्या सपना था करने के लिए आप लोगों के लिए? देश के लिए जीते थे, देश के लिए शहादत दे के चले गए। क्या कहेंगे आप, कितना गर्व की बात है, वो अकेले छोड़ के चले गए। मेरा पति राजा था, राजा की तरह गया, अमर हुआ, कहीं नहीं गया, वो है यहीं पे हम सबके साथ, वो छोड़ के हमको कभी नहीं जा सकता, हमेशा मेरे साथ रहेगा, वादा करके गया है तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक मेरा साथ देगा, वो है अभी भी हर जगह हर कोने में घर के। क्या कहते कब आएंगे? बोले थे आएंगे आएंगे, बोले थे। ऐसे में क्या कहेंगे सर, मुझे तो यही है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, इससे बराबर मैं क्या कह सकता हूँ। आखिरी कब बात हुई थी आपसे, क्या कह रहे थे, उनको क्या सपना था? आखिरी बात मुझसे 2 दिन पहले हुई थी, बोले पिताजी मैं 1 अक्टूबर में आऊँगा, दिवाली घर पे मनाऊँगा, 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर आऊँगा, मेरी आखिरी बात यही हुई थी। कुछ बचपन की उनकी यादें इस तरह से कुछ हो क्या? बचपन की तो तमाम यादें हैं, उसका अंत नहीं है, बचपन में खेले कूदे, पढ़ाए, स्पोर्ट में शौक था, लेकिन मुझसे यही बोला था पिताजी मैं जब 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं देश की सेवा में ही अपना समय बिताऊंगा। ईश्वर ने उसकी तमन्ना पूरी किया जो आप सबके सामने दिखाई दे रहा है। और क्या कहेंगे सरकार से? कुछ सरकार से क्या कहेंगे, सरकार से ही कहेंगे कि क्या बताएं, ईश्वर ने मुझे एक ही संतान दिया, अगर आज एक और बेटा होता उस माँ के लिए समर्पित कर देता, यदि शासन का आदेश हो तो मैं भी अपने बेटे की तरह अपने प्राण
सीमा रक्षा के देने के लिए तैयार हूँ, और एक बाप क्या कह सकता है। शहीद जी का कब सवारने का संभावना है, क्या तैयारी की है आपकी तरफ से? जो सूचना मिली है उसके हिसाब से एक विमान, चार्टर विमान जो है एयरफोर्स का 3:45 पे बनारस आएगा, जिसमें अमर शहीद का शव आ रहा है रवि प्रकाश जी का। उसके बाद वो शव यहाँ गांव में आएगा, और अगर रात्रि हो जाती है तो फिर ये जैसा कि उनके पिता और माँ से बात हुई है तो कल अंत्येष्टि का प्रोग्राम किया जाएगा, और तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। और शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि एक सम्मान राशि है 50 लाख की, एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर, और एक सेवा के लिए उनके परिवार का किसी सदस्य को नामित करना, इस पर भी काम चल रहा है, और माननीय प्रभारी मंत्री भी आ रहे हैं, वो भी सम्मिलित होंगे।